ओके तो शेयर मार्केट यूज करते हैं आप? नहीं मैं देखता हूँ कभी कभी। ओके तो मान लीजिए मुझे शेयर मार्केट का लाइव डेटा चाहिए, शेयर प्राइस लिस्ट टुडे लाइव। तो मैंने क्या किया, फाइनेंस बहुत सारी वेबसाइट है, मनी कंट्रोल का भी साइट है, लेकिन मैं चला जाता हूँ इस पे एनएससी इंडिया कंट्रोल डिसेबल है, ये भी कंट्रोल करता है, रेडिस पे आ जाता हूँ। अब जो रेडिस पे जो डेटा है ना सर, ये लाइव डेटा है, ये चेंज होते रहता है, मार्केट ओपन है तो चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो मुझे ये डेटा चाहिए, तो हमने इसको कॉपी किया, और मुझे पूरा का पूरा डेटा नहीं चाहिए, मुझे इसमें से कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए। डेटा में आए फ्रॉम वेब, नहीं भाई इसको भी यहाँ पे आता हूँ, फ्रॉम वेब हमने इसको मार्केट डेटा यहाँ पे ओपन कर दिया। टेबल जीरो है यहाँ पे देख लीजिए, यह है सारा पूरा रिपोर्ट है, इससे पूरा आ गया, लेकिन मुझे इसमें से पूरा नहीं चाहिए, मुझे इसमें से कोई पर्टिकुलर कंपनी का चाहिए। तो आप इसी पे राइट क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, एडिट करते ही आपको पावर टू एडिटर में आ जाता है, ये देख लीजिए आगे चल के पावर बीआई पे भी आपको सीखना है चीज। मैं चाहिए मुझे HDFC का, मुझे मान लो का चाहिए, मुझे HDFC चाहिए, और मान लीजिए मुझे चाहिए SBI का। ओके ओके कर दिया, अब यहां दो दिख रहा है, मैंने इसको लोड एंड क्लोज कर दिया। अब इसमें आप एक कर सकते हैं कि अब जैसे ये देखिए आ रहा है ना, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ये प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है ना कि इनको चेंज होने में। नहीं नहीं यहाँ पे ये हो रहा है चेंज, एक बार देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मैं 57,000 का हाँ चेंज हो गया, हुआ ना 57 हुआ HDFC चेंज नहीं हो रहा है, 36 ही है, 36 ही है, SBI ये SBI चेंज नहीं, चेंज होता रहता है हमेशा, हमेशा चेंज नहीं होता, ऊपर नीचे उतना नहीं होता, जो भी चेंज होगा यहाँ पे डिटेल आया, ठीक है करते रहिए आप। जैसे आप रिफ्रेश हमने जब किया था चेंज हुआ ना 950, तो यहाँ आप ये कर सकते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं, और इसको मैंने रिफ्रेश एवरी 2 मिनट्स कर देता हूं, कि हर 2 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या करेगा रिफ्रेश करेगा। अब मैं यहां पे जो है टोटल का कमांड लगा देता हूं, टोटल, ठीक है, तो टोटल यहां चलिए इक्वल टू टोटल, यहाँ पे इसको लिंक कर दिया, इसको यहाँ मुझे सिर्फ इसकी करेंट प्राइस चाहिए होगी और चेंज चाहिए, ओके। अब मैं इस पे राइट क्लिक किया एंड कॉपी, व्यू कोड पे मैंने दे दिया वर्कशीट, और वर्कशीट में दे दिया कैलकुलेट, ये क्या है इवेंट माइक्रो प्रोग्राम, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल नहीं बताया था इवेंट का, तो मैंने सोचा आज आपको इसका एग्जांपल भी समझा दूं, ठीक है।
अब क्या है कि मैं चाहता हूं इस डेटा को यहां इस डेटा सीट पे टाइम के साथ टाइम और यहां पे कंपनी करेंट प्राइस और सेल। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे रेंज सीट फोर है, सीट फोर में, सीट फोर में चाहिए डेटा सीट, सीट फोर डेटा किसका है, सीट वन का है, सीट वन। अब देखिए सीट की कॉलिंग मेथड यहाँ पे देख, मुझे इस सीट पे डेटा चाहिए तो सीट वन हम इसकी प्रॉपर्टी नेम दे रहे हैं, दे सकते हैं सीट्स और सीट्स में डेटा इसका कैप्शन नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम सीट वन डॉट रेंज डॉट ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0। अब ये चीजें क्या है मैं भी आपको समझाता हूं, डॉट वैल्यू फॉर्मेट टाइम में अब ये क्या करेगा सीट वन में जाएगा, मतलब कि सीट वन किसका कैप्शन, सॉरी प्रॉपर्टी नेम, सीट वन दिख रहा ना आपको यहाँ पे, इस सीट वन जाएगा और ए 65,000 पे जाएगा, यहां से कंट्रोल अप एरो को प्रेस करके सबसे ऊपर आएगा। तो ये जो आपको दिखा रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सलेस आप ये काम करेगा, फिर वहां से ऑफसेट क्या कर रहा है एक रो नीचे ला रहा है और इस पे जो है डेट एंड टाइम डाल रहे, ठीक है, डेट एंड टाइम को डाल दिया, क्लियर है। अब इसी चीज को मैं यहां इसको रिपीट कर रहा हूं, अब इस बार जो है मैंने सेम चीज के लिए जीरो कर दिया और कॉलन में वन कर दिया। तो अब क्या करेगा, अब करेगा कि ये नीचे से ऊपर जाएगा और एक कॉलन आगे बढ़ेगा क्योंकि ऑफसेट में जीरो और वन होता है, तो जीरो ये जो वन जो ये पहला स्थान रो का होता है, दूसरा स्थान कॉलन का होता है, इसलिए बोला कॉलन चेंज मत करो रो चेंज करो। और इसमें क्या करेगा ए फाइव का डेटा दे देगा, यहां पे किसका देगा, अब कौन से सीट का, तो सीट किस पे हमारा चल रहा है कोर्स, सीट फोर पे, सीट फोर का प्रॉपर्टी नेम क्या है, सीट फोर ही है, सीट फोर डॉट रेंज और क्या है इसका ए फाइव, ठीक है, डॉट वैल। और इसी को मैं यहां कॉपी करता हूं और यहां पे टू कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा ए फाइव के बाद टी फाइव दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में चेंज है, इसी कॉपी करता हूं, ये क्या हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा हमारा सी फाइव, ओके। और इसी कोड को एक बार और हम रन करेंगे क्योंकि दो रो है ना, हर रो के लिए अलग अलग करना है, आओ और फाइव के जगह पे यहां सिक्स हो जाएगा, नीचे वाला रो इन कर देगा, हमें इसको यहां से स्टॉप कर डेटा। तो ये क्या करेगा कि हर बार जैसे ही रिफ्रेश होगा, इस जैसे ही रिफ्रेश होगा इस डेटा को इसके नीचे एक के नीचे एक के नीचे डाल देगा, समझ गए। उससे हर दो मिनट पे ये काम क्या करेगा, हर दो मिनट पे करेगा। तो अब इस कोड को समझिए क्या है, सबसे पहले जानिए कि कोड वर्क कब कर रहा है, वर्क कर रहा है जब कैलकुलेट हो रहा है, कैलकुलेट मतलब जैसे ये चेंज होता है ना, तो यहां पर वैल्यू चेंज होती है, वैल्यू चेंज मतलब कि सीट को कैलकुलेशन की गई। तो अब इस डेटा को उठा के पेस्ट करता है, तभी काम करेगा।
तो हमने बोला कि सीट वन के मतलब कि हमें डेटा डालना कहाँ है, रिसीवर कौन है, क्योंकि इक्वल लगा है, वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी है ना, तो रिसीवर कौन सा है, तो रिसीवर है डेटा सीट के, डेटा सीट का प्रॉपर्टी नेम सीट वन है, सीट वन का, अब मुझे एक के नीचे डालना है ना, तो बोला 65,000 पे चले जाओ, यहां से ऊपर आओ, क्योंकि हमने क्या दिया एक्सलेस यहाँ पे एंड एक्सलेस अप, मतलब कि ऊपर की तरफ, और अब ऊपर की तरफ तो हेडिंग है, तो मैंने बोला कि इससे एक रो नीचे आ, नीचे आ गया एक रो, इसमें नाव डाल दो, तो ये पता तो चले कि वैल्यू देखा आ गया, क्लियर है? इस तरह से इसकी इंट्री करेगा, समझे कि नहीं? तो ये अब यहाँ पे चीज आगे की चीज है, बट यहाँ पे देखिए कि वेबसाइट से रियल टाइम डेटा ले रहा है और रियल टाइम में इसको अपडेट भी कर रहा है। अब इसकी यूज कौन करते हैं, तो शेयर मार्केट वाले आजकल बहुत यूज कर रहे हैं, ताकि उनको पता चलता है ट्रेंड, क्योंकि उनके पास वेबसाइट में जो डेटा दिखता है वो डेटा अपडेट हो जाता है ना, तो ये नहीं एनालाइज कर पाते हैं कि दिन के किस समय कितना उतार चढ़ाव था, माने कि परचेजिंग करने का दिन में टाइम कौन सा ठीक था, तो पिछले एक आध हफ्ता का क्या करेंगे इस तरह के हर आधे घंटे या दो मिनट या दस मिनट के इंटरवल को एनालाइज करेंगे और एक टाइम फिक्स करेंगे कि इस टाइम पे शेयर का प्राइस लो हो रहा है तो उसी टाइम पे जाके उस शेयर को परचेज करेंगे, या फिर हाई हो रहा है तो सेल करेंगे, ठीक है? तो ये चीजें मुझे बहुत आ रही है कि भाई अब इसमें देखिए क्या होता है कि किसी भी डेटा को रियल टाइम आप लेके आ सकते हैं किसी साइट से या किसी सॉफ्टवेयर से, अपडेटिंग के लिए हुआ तो उसको अपडेट के लिए आप उसकी कनेक्शन में सेट कर सकते हैं कि इतना बजे कनेक्शन हो जाए, राइट? दूसरी चीज कि आप जो चेंज होता है तो उसको आप कहीं पे डेटा को कैरी भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कैरी कर रहे हैं, बीस में पिवट लगा के एनालाइज कर रहे हैं, अपडेट हो गया। हाँ, इसमें कुछ खामियां हैं जिसपे हम बात करेंगे, जैसे ये देखिए कि हर बार दो इनपुट मतलब दो एक्स्ट्रा कर रहा है, एवरी टाइम दो एक्स्ट्रा कर रहा है, ठीक है? तो दो हम डिलीट कर देंगे या और भी बहुत सारी चीजें हैं इसपे, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ये समझ में आ गया ना आपको? हाँ जी, ये सही है, बट आपने जो पहले वो वेदर का समझाया था ना, उसमें से एक थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है, इफ यू डोंट माइंड आप मुझे बता दीजिए, देन मैं प्रैक्टिस कर लूंगा उसका। बताइए क्या प्रॉब्लम? जो जैसे आपने वो वेबसाइट कॉपी किया था वेब लिंक से, ठीक है, आपने बोला था जैसे आप गए वो डेटा में, डेटा क्वेरी में आपने उसको डाल दिया, आपने बोला कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा ये नहीं लेगा, सो दैट्स फाइन बिकॉज कोई भी वेबसाइट का एड्रेस इन्वर्टेड कॉमा में वो नहीं लेता। उसके बाद आपने कॉपी किया, देन आपने तीन इन्वर्टेड कॉमास डाले थे, ठीक है, एक तो सही है बिकॉज इफ यू आर हैविंग टेक्स्ट तो आप इन्वर्टेड कॉमा को यूज करते हो, फिर आपने सेकंड लगाया वो काम नहीं किया, इसलिए आपने तीन इन्वर्टेड कॉमास लगाए। आप नहीं समझे, एक इसकी इसका क्वेश्चन सिंपल सा बस मान लीजिए कि जो जो वेबसाइट है ना वो डेटा इन्वर्टेड कॉमा में ही ले रहा है। ओके, वो जो साइट माने कि जो डेटा पुल करवा रहा है वो कहता है कि मुझे आप साइट का एड्रेस जो है वो आप इन्वर्टेड कॉमा में दो, आप वीवीए कहता है कि एक टेक्स्ट लिखना आया था मुझे इन्वर्टेड कॉमा में दो, तो अगर मैं वीवीए के जरिए एक वीवीए को एक टेस्ट दे दूं तो सिंपल आपका क्या देगा, मैं आपको एक बार रन करवा बता रहा हूं सिंपल सा। थैंक्स। जैसे कि मैंने सिंपल सा एक मैसेज बॉक्स बना रहा, ठीक है, इंसर्ट गुड, हमने सब्जेक्ट दिया,
सा हमने मैसेज बॉक्स बनाया एमएसजी बॉक्स, और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दिया सुजीत। तो क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट करेगा सुजीत ना, लेकिन जहां मुझे प्रिंट करवाना है वहां मुझे इस तरफ इन्वर्टेड कॉमा और इस तरफ इन्वर्टेड कॉमा चाहिए। मुझे इन्वर्टेड कॉमा को विजिबल करना है। okay. तो यहाँ पे फिर मैं तीन इन्वर्टेड कॉमा, मतलब इस इन्वर्टेड कॉमा जो विजिबल है उसको दो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखा। तो वेबसाइट को ऐसा चाहिए इन्वर्टेड कॉमा सुजीत इन्वर्टेड कॉमा। तो अगर मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यहां लगा दूंगा तो क्या होगा? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या होगा कि जस्ट वो टेक्स्ट को प्रिंट करेगा, इन्वर्टेड कॉमा को प्रिंट नहीं करेगा। ओके मुझे इन्वर्टेड कॉमा भी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे तीन इन्वर्टेड कॉमा यूज किया ताकि वीवीए को समझ में आ जाए कि बाहर इन्वर्टेड कॉमा भी प्रिंट करना है, मतलब जिसको दे रहा हूं मैं वैल्यू उसको इन्वर्टेड कॉमा के साथ देना है। ओके और समझ में आ गया? ठीक है, विदाउट क्लियर इसमें? नहीं अभी समझ आ गया, थैंक्स। तो आपकी फाइल कॉपी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं? कौन सा वो मेल मर्ज का फाइल कॉपी? आपने कल पूछा था ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका डेटा आ जाता है एक फोल्डर में शेयर ड्राइव। हाँ नहीं कॉपी करके वो मेरे पास वो आपने जो टास्क का वो ऑप्शन दिखाया था ना वो मेरे पास आई नहीं है मेरे ऑफिस में, ऑफिस 365 आई थिंक होना चाहिए। ऑफिस के अंदर नहीं होता, विंडो के अंदर होता है सर, विंडो में जाकर सर्च कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, चलो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो हमने एक फाइल लिया, एक नया फाइल लिया, उस नया फाइल को हमने क्या किया डेवलपर में गए, डेवलपर में जाने के बाद अच्छा फाइल का नाम जो है वो सेम होता है या अलग अलग नाम होते हैं? नहीं वो डेट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इट्स अमेरिकन स्टाइल फॉर्मेट, जैसे ईयर एंड मंथ एंड डेट वो रिवर्स है। मैं एक काम करता हूं इस तरह से फोटो वाले, इसमें मान लीजिए इस लोकेशन में एक फाइल बनती है और फाइल का नाम होता है अमेरिकन स्टाइल में क्या फाइल का नाम क्या होता है आपने 2020/06/09 इस तरह से बनता है। हाँ जी मैं मेरे पास मैं अभी ऑफिस के पीसी पे भी बैठा हूँ साथ तो टाइम ही होता है डेट आज का डेट ऐसे ही होगा, बीच में कुछ होता है स्पेस वगैरह डैश वगैरह डैश हो सकता है, टाइम तो अपने हिसाब से देख लेंगे ठीक है ना। मेरा ये टाइम तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पाथ क्रिएट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा पाथ। और p इक्वल टू हम करेंगे यहाँ हमारा पाथ के साथ एंड परसेंट क्या करते हैं लगाते हैं पाथ, हमें यहाँ देते हैं सिस्टम डेट और यहाँ हो जाता है yyy डैश एम एम डैश ठीक है और फिर एन परसेंट हो जाएगा डॉट एक्सएलएस क्योंकि एक्सटेंशन तो चाहिए। एक बार देख लेता हूँ बात हो गया। अब यहाँ मैं करूँगा फाइल कॉपी, बताया तो फाइल कॉपी का मान सोर्स है पी और डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन मान लीजिए मुझे इसमें से उठा के
2020 में डाला, 2020 में। अभी मैंने आपको ये फाइल का ना वो नेम है ऐसे अभी भेजा है, पिंक किया है। इसमें टाइम भी है आपका ना, तो फॉर्मेट में आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसमें हिसाब से लगा दीजिएगा। टाइम के लिए एच होता है, मिनट के लिए एम होता है, एस के लिए सेकंड होता है, तो फॉर्मेट उतना का फॉर्मेट बन जाएगा। अब इस आरआर को मैं इस वर्कबुक में डाल दूंगा और इसमें कर दूंगा वर्कबुक ओपन और आरआर चल जाएगा। इस फाइल को स्थिति के नाम से यहां पे डॉक्यूमेंट से। अब आता हूं शेड्यूल टास्क पे। ये टास्क नाम दे दिया ओपन एफ एफ ग्रैंड विजन ब्लॉग। चलिए न्यू, अभी से 12:03 कर दूंगा। मैं 12:03 कर दिया, ठीक है। वन टाइम ही है, डेली करना तो डेली आगे क्लिक करना पड़ेगा। ओके और एक्शन क्या करना है, वो स्टार्ट प्रोग्राम। स्टार्ट प्रोग्राम में मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर सीसी को सिलेक्ट करके, ठीक है, कंडीशन वगैरह कुछ देना है नहीं, और कुछ भी आप रहे, लेकिन यहाँ पे हम ले छोड़ देता हो गया। अब यहाँ पे एक टैक्स जो है आ गया, एक पोस्ट कर अब एक मिनट वेट करते हैं, ठीक है, वेट कीजिए, मैं तो आ रहा हूँ, दो मिनट में आ रहा हूँ। हेलो, फाइल आ गई सर? हाँ जी आ गई ना फाइल। हाँ हाँ यहाँ पे दिख रहा है ना 2020709। ठीक है, तो ये आपने जैसे अभी किया है, अगर जैसे जो मेरा लिंक है ना, ये फाइल का नेम होता है बट द टाइमिंग इज डिफरेंट, तो अगर मुझे इस मैं कैसे इस टाइम को उठा सकता हूँ, हाउ डू मे बी ये कोड को कैसे पता होगा कि ये फाइल ही उठानी है?
तो इस तरह का और फाइल तो नहीं ना होगा? नहीं 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 हर रोज फाइल इस डेट का, इस डेट का यही फाइल होगा ना? हाँ, इस डेट का एक ही फाइल है, बट एवरी डे सेम पाथ के हर रोज उस फोल्डर में फाइल आते हैं, पर डेट का सेम ही है, वन फाइल पर डेट। तो इसका ये बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपका इस तरह का फाइल आया ना, टाइमिंग कुछ भी हो सकता है ना? हाँ, टाइमिंग कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये टाइमिंग जैसे ही आईटी के आईटी वाले ये रिपोर्ट रन करेंगे, आई थिंक दैट्स द टाइम 6:44। उसके लिए एक DIR फंक्शन बनाना पड़ेगा, यहाँ पे इसके ऊपर या पाथ, ओरिजिनल पाथ दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे हमने कर दिया FN इक्वल टू DIR, और DIR के अंदर में मतलब ठीक है, और इसमें &% यहाँ पे स्टार लग जाएगा। आगे भी हम स्टार लगा, ठीक है, और यहाँ इसको हटा दीजिए, इसके जगह पे आप कर दीजिए F, और यहाँ भी आपका जो है F लगा। अब वर्क होना चाहिए। क्या होता है कि DIR फंक्शन क्या करता है, एक लोकेशन में फाइल नेम को सर्च करता है। पूरा फाइल नेम नहीं पता है तो उस फाइल की स्टार दोनों तरफ अगर स्टार लगा देते हैं तो नाम को ढूंढ लेगा, ये जो इसमें मैच करेगा उसको दे देगा, ठीक है। आगे या पीछे कुछ भी हो, बस ये चीज जाना चाहिए कंटेन हो जाए, ठीक है। ठीक है, आप ट्राई कीजिए, देखिए क्या करना है आपको, पहले इस तरह का माइक्रो बनाना है, फिर दिस वर्कबुक में वहां पे जाकर आपको वर्कबुक और ओपन, यहाँ पे वर्कबुक सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे ओपन सेलेक्ट कीजिएगा, और फिर RR को दीजिएगा, जो माइक्रो नेम है वो नाम को दीजिएगा, फाइल को सेव करके क्लोज कीजिएगा, फिर शेड्यूल टास्क में टास्क क्रिएट करके आप इसका पाथ दे दीजिएगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा फाइल ओपन हो जाए, और ऑन शेड्यूल में डेली सिलेक्ट कर, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे इस फाइल को ओपन होगा, जैसे ही फाइल ओपन होगा इस माइक्रो को रन कर देगा, तो ये माइक्रो जैसे ही रन होगा उस डेट, जिस दिन रन होगा उस दिन डेट के नाम का फाइल खोजेगा, पहले उसके आगे पीछे कुछ भी लगा हो पर डेट जो है ना, डेट होना चाहिए सेम सीक्वेंस, ओके, आपका सीक्वेंस जो है, हाँ, सेम सीक्वेंस में होगा, ठीक है, और फिर उस फाइल को क्या करेगा, कॉपी कर देगा, ओके, समझ गए? हाँ जी, हाँ जी।